वंदे मातरम स्टूडेंट्स, आई एम माधव फ्रॉम मैथ्स माधव। चलिए मैथ्स की दुनिया में चलते हैं। स्टूडेंट्स, आपका जो हमारा टॉपिक है, आपका जो चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, वहाँ पे जब हम वर्स्ट प्रॉब्लम को या किसी भी इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो उसके लिए ग्राफिकल मेथड है या तो एल्जेब्रिक मेथड है। तो यहाँ पर एल्जेब्रिक मेथड का सेकंड मेथड, फर्स्ट मेथड इज सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकंड इज एलिमिनेशन एंड थर्ड इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो हमने फर्स्ट मेथड को हमने करना सीख लिया है। सेकंड मेथड को हम जरा देखें कि एलिमिनेशन मेथड से हम किसी भी टू इक्वेशन को, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। यहाँ पर आपको टू इक्वेशन गिवन है। अभी इक्वेशन यहाँ पर अभी तो प्लस में है, सारे नंबर्स प्लस में है, माइनस में कुछ भी हो सकता है, बस आपको कंसेप्ट को देखना है कि कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। एलिमिनेशन, जैसा कि नाम से लग रहा है कि एलिमिनेट करना है कुछ, मतलब या तो हम एक्स को पूरा पूरा गायब कर दें, या तो एक्स को गायब कर दें पूरा पूरा, या तो वाई को गायब कर दें हम। अगर हम वाई को गायब करेंगे तो एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, और अगर हम एक्स को गायब करेंगे तो वाई की वैल्यू मिल जाएगी। इसको इक्वेशन वन समझ लो और इसको इक्वेशन टू समझ लो। तो हम कैसे गायब करेंगे इसको? गायब करने के लिए हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं इक्वेशन को। बट सब्ट्रैक्ट तो हम कर सकते हैं, लेकिन सब्ट्रैक्ट में ये गायब तब होगा ना जब ऊपर नीचे नंबर क्या हो, सेम हो, ऊपर नीचे नंबर सेम हो। तो ये करने के लिए हम क्या करेंगे? अगर डायरेक्टली हमें सेम कुछ दिख जाए ऐसा कि कोई नंबर सेम नंबर, यहाँ भी एट है, यहाँ भी एट है, तो बस हमें कुछ नहीं करना होता, बस हम सबको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सब्ट्रैक्ट जब करेंगे तो ये नीचे वाली जो वैल्यू होती है उसका साइन सबका क्या होगा, चेंज होगा। अगर प्लस में है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। अगर कहीं माइनस होता तो उसका साइन क्या हो जाता, प्लस हो जाता। फिर ये ऊपर वाले साइन को हम भूल जाएंगे, जो नया साइन हमने यूज़ किया है उस साइन को हम कैलकुलेशन में यूज़ करेंगे उसके। अब देखो यहाँ पर अभी जीरो नहीं होगा, तो हम करते क्या हैं इसको, तो इधर थ्री है, इधर एट है, मान लो हम इसमें वाई को जीरो करें। वाई को जीरो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर टू है, यहाँ पर फाइव है, दोनों को अगर सेम करना हो तो फाइव का मल्टीप्लाई इधर कर दें और टू का मल्टीप्लाई इधर कर दें, हो सकता है ना। टू का इसमें करेंगे फाइव टू या टेन, फाइव का इधर कर दें तो फाइव टू या टेन, या टू फाइव या टेन, दोनों टेन टेन हो जाएगा। या अगर इसको जीरो करना हो तो एट का मल्टीप्लाई इधर कर दें, एट थ्री जा, या थ्री का मल्टीप्लाई इधर कर दें हम, जैसे हम एलसीएम निकालते हैं कुछ इस तरीके से, इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई इधर, कुछ भी करके दोनों को हमें सेम करना है। तो हम इसी को कर देते हैं, चलो एट का मल्टीप्लाई तो हम क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाई थ्री, थ्री से मल्टीप्लाई इसमें करेंगे और एट से मल्टीप्लाई इसमें कर दें हम। तो मल्टीप्लाई बाय थ्री इन इक्वेशन वन एंड मल्टीप्लाई बाय एट इन इक्वेशन टू, इट क्लियर? अब जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो केवल इन्हीं दोनों में मल्टीप्लाई नहीं हुआ कि हमने इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दिया, इसका इसमें कर दिया, इस इक्वेशन वन में कर रहे हैं। मतलब कि अगर थ्री का मल्टीप्लाई अगर तुम ऊपर कर रहे हो तो इस पूरे इक्वेशन में थ्री का मल्टीप्लाई होगा, अगर नीचे तुम एट का मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इस पूरे के पूरे इक्वेशन में एट का मल्टीप्लाई होगा। तो आओ मल्टीप्लाई करके हम यहाँ पर लिखते हैं, ऊपर के इक्वेशन में थ्री का मल्टीप्लाई, तो एट थ्री जा ट्वेंटी फोर एक्स, फाइव थ्री जा फिफ्टीन वाई इक्वल्स टू नाइन थ्री जा ट्वेंटी सेवन। अब 8 का मल्टीप्लाई नीचे करना है, 8 थ्री जा 24x, देखो दोनों इक्वल हो गया ना, फिर 8 टू जा प्लस 16y इक्वल्स टू 8 फोर जा 32। अब इन दोनों इक्वेशंस को हमें क्या करना है, ये इक्वेशन थर्ड हो गया और ये इक्वेशन फोर्थ हो गया, इन दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या करोगे, नीचे का साइन क्या होगा, सब चेंज हो जाएगा। ये भी माइनस में, ये प्लस में था, ये भी प्लस में तो ये भी माइनस में, ये भी प्लस में तो ये भी माइनस में। अगर ये कोई माइनस में होता तो साइन क्या हो जाता, यहाँ पर प्लस हो जाता। सब्ट्रैक्ट का मतलब समझ रहे हो ना। चलो अब देखो ये दोनों नंबर सेम है, 24x 24x, ये दोनों कैंसिल हो गया। यहाँ पर जब देखोगे, हम यही करना था एलिमिनेट, हमने इसी को टारगेट किया था, किसी को गायब करना है, हमने इसको गायब कर दिया। अब क्या बचेगा, वाई।
तो 15y-16y तुरंत दिमाग में ऐसे रखो कि एक प्लस एक माइनस है, मैंने कहा था ना ये साइन भूल जाओ पहले वाला जो भी है इसमें। तो 15y-16y तो अभी y तो रहेगा ही, 15 16 मतलब एक प्लस एक माइनस में है तो माइनस करोगे तो 1y हो जाएगा, 1y का मतलब y ही होगा। और साइन किसका बड़ा है यहाँ पर 16 का साइन कितना है माइनस। अभी मैं सोचना कि पहले वाला साइन काउंट करना है, जो तुमने साइन चेंज किया अब वही साइन वहाँ पर एलिजिबल होगा, उसी को हमें लेना है। नाउ इधर आ जाओ, इक्वल्स टू 27 32 माइनस कर दो 27 और 3 और इधर कितना हो जाए 5। अब यहाँ पर साइन यहाँ भी देखोगे जब तो ये प्लस है, ये माइनस वाला साइन बढ़ा है तो ये भी माइनस, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। देन y इक्वल्स टू कितना आ गया, y इक्वल्स टू 5। अब इस y की वैल्यू को चाहे तुम यहाँ पे कहीं पुट कर दो, किसी में थर्ड फोर्थ में पुट कर दो या फर्स्ट सेकेंड कहीं भी पुट करो तुम, तो जो तुम्हें लग रहा है क्वेश्चन छोटा सा दिख रहा है उसमें पुट कर देते हैं। यहाँ पे पुट कर दें, चलो इसमें पुट करते हैं सेकंड में, 3x+2y=4। ठीक है, सीधे लिखोगे पुट y=5 इन इक्वेशन 2। तो पुट करते हैं 3x+2×5, y की जगह 5 पुट करना है, =4। तो ये कितना हो जाएगा 3x+2×5=10=4। तो 3x=4-10, 10 इधर आएगा माइनस 10 हो जाएगा। देन 3x=4-10 -6। देन 3x=-6/3, ये 3 इधर आएगा डिवाइड कर देगा, 3×2=6 मतलब x=-2। y की वैल्यू 5 आ गई और x की वैल्यू -2 आ गई। तो इस तरीके से हम बाय एलिमिनेशन मेथड किसी भी इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं। बस आपको प्लस माइनस का ध्यान रखना है, इतना अगर आपने ध्यान रख लिया तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। बाकी आप x और y की कोई भी वैल्यू आपने निकाल दी है अगर, तो नेक्स्ट वैल्यू के लिए उस वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में आप पुट करो ना, जो भी इक्वेशन यहाँ पर दिख रहा है कहीं भी पुट कर दोगे, आंसर तुम्हारा x की वैल्यू -2 ही आएगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, टेक केयर, ऑल दी बेस्ट, चलते हैं नेक्स्ट वीडियो हम लाते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए, उसको भी जरूर देखिएगा। ऑल दी बेस्ट, थैंक यू सो मच।